ये, ये अब इनकी कुंडली पे आते हैं वास्तु का सेक्शन हमने देख लिया कुंडली आएगी फिर एस्ट्रो वास्तु होगा ठीक है हुँ, हुँ. काम इनका क्या है जो कि मैंने आपको बताया बिजनेस करना है इनको अब बिजनेस इनको कमीशन बेस पे ही करना पड़ेगा हुँ. क्यों करना होगा जब भी बिजनेस की मैटर आती है तो हमें सातवां कस्पल सब्लॉट को देखना होता है राइट सेवेंथ कसपल सब्लॉट आप देखेंगे वो कौन सा प्लेनेट है वो है राहु okay. राह राहु में देखिए बिजनेस के लिए निगेटिव हाउसेज फाइव एट नाइन सब सबलॉट में बारहवा तीनों लेवल पे है तो खर्चा का भी इन्वेस्टमेंट का भी है लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ट्वेल्थ सब सबलॉट देखना चाहिए यहाँ सेवन सब सबलॉट में बारहवा होना यानी खर्चे और नुकसान का है जी इनकी उम्र देखिए उन्नीस का जन्म है इनका देशर्ट, देशर्ट का... 63. 63, अच्छा ठीक है तो उम्र अभी इनका सिक्सटी वन हो गया हाँ जी तो अब तक का एक्सपीरियंस यही है कि कोई भी जो बिजनेस की है, वो बिजनेस इनका सक्सेस नहीं रहा ओके बारह बारह की वजह से सर सिर्फ बारह ही नहीं है पांच आठ नौ बारह है ना सबका समय सब है हाँ जी तो कोई भी ये सफलता नहीं मिली ठीक है नौकरी की बात करें तो नौकरी बहुत नौकरी इन्होंने बदला और काफी हाई पेइंग जॉब भी किया और एक समय ऐसा भी आया कि मतलब पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए तो लोगों ने पैसे जैसे फैमिली फ्रेंड्स अलग अलग जगह से पैसे इनके इनको मिले जिससे काम गुजरा ये भी समय आया अच्छा मतलब एक ऐसा समय भी इनके था कि जब ये पचास हजार लाख डॉलर इनके लिए कोई मायने नहीं रखा अच्छा और एक ऐसा भी समय आया कि जब सौ डेढ़ सौ दो सौ डॉलर में भी महीना गुजारना पड़ा हम्म समझ रहे हैं? ये। अब प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं होने का रीजन है कि छह सात और दस तीनों का कसमल सबलॉड राहु है अच्छा ये बिजनेस के लिए भी निगेटिव है नौकरी के लिए भी निगेटिव है अब आया कि पैसा इतना क्यों इस बंदे के पास आया सेकेंड कसम सबलॉट है जुपिटर जो स्वयं कहीं स्टार में है तो टू और इलेवन टू और इलेवन ये कहीं से भागने वाला है बताइए धन धन तो आएगा। तो आएगा का पावरफुल रहा तो चाहे वो आप किसी न किसी प्रकार से इस आदमी की जरूरत पूरी होती रहेगी अच्छा लेकिन इसी सेकंड सबलॉड राहु यहाँ पे इसका लॉर्ड बन गया है ना जुपिटर का सबलॉट राहु हम्म तो पैसा के नुकसान मतलब अत्यधिक होगा ये अवश्य भावी है इस रिजल्ट को रोका नहीं जा सकता राइट right. तो पैसे कमाया इस आदमी ने बहुत लेकिन बचा नहीं पाया हम्म hmm. बचा नहीं पैसा ठीक है और राहु के कारण प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं रही hmm. ठीक है और हालांकि ये इंडिया से बाहर रहा तो भी नहीं रही ना hmm. ये अट्ठाईस से उन्तीस साल उम्र होने के बाद से इंडिया से बाहर ही रहे अच्छा। कोरोना से पहले आर्मेनिया और एक दो कंट्री और बता रहे थे जहां पहले स्पेयर पार्ट जो एरोप्लेन का होता है ना तो उससे रिलेटेड काम में थे वहां भी लाइजनिंग का ही काम था अच्छा पैसा कमाया लेकिन पैसा डूब गया अच्छा मिला ही नहीं कोरोना चालू हो गया अब कंपनी ने इनकार कर दिया अच्छा पेमेंट देने से तो इस, इस तरह से बहुत से इनके पास <laughs> इंसिडेंट हुए है जिसे कुछ नहीं कर पाए ठीक है तो अब उम्र भी एक फैक्टर हो गया है समझ रहे हैं तो यही जब बल्गेरिया में ये थे तो इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी तो मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई काम आपको मिलता है ऑप्शन कुछ वहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल मैंने इनको रेमेडीज बताई थी बल्गेरिया में इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी और वो मैप बनवाने तक के भी इनके पास पैसे नहीं थे थी। ठीक अच्छा। है करना फिर इम्प्लीमेंट करना तो एस्ट्रोलॉजिकली हमने कुछ किया था तो एक थोड़ा सा इनको होप दिखा और वो होप पिछले साल यानी 2023 के जुलाई में अलमाटी गए नौकरी के लिए लेकिन अब नौकरी में क्या है उम्र साठ साल हो गई है तो फिर एक माइंडसेट भी हो जाता है ना किसी के मतलब इंस्ट्रक्शन वो ऐसे करो ऐसे करो या कुछ नहीं हुआ तो मान लो उसने डांट दिया या झल्ला के बोल दिया अब ये आदमी जो तो खुद अपनी जवानी में काफी पैसे देखा हुआ है दो हजार डॉलर की नौकरी थी तो कुछ चीजें मतलब ईगो को हर्ट भी करती हैं समझ रहे हैं तो इसको लेके थोड़ा सा ये हुए और एक दो तो ऐसे स्टाफ भी आए जो इनको चूंकि वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम हाँ। तो कोई कोई ब्लेम भी लगना। ये भी है पांच काम कर गया हाँ। गया गया। तो वो भी चीजें थी तो मैंने फिर इनको कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं परेशान मत हो और मेरा एक बात इनको काफी पसंद आया मैंने बोला देखो प्रवीण जी प्रवीण क्या नाम है आप हीरा हो डायमंड हीरा यदि किसी के मुकुट पर रहे या नाली में रहे हीरे कोई अंतर नहीं पड़ता जिसके मुकुट पे है उसके लिए ही उसका भाग्य उसके सौंदर्य कहे उसका आपका जो पोजीशन कहे उसको बढ़ा रहा है वो बंदे उसने उठा के उसको अपने मुकुट से निकाल के नाली में फेंक दिया उसने अपना खराब किया अब जो नाली से निकालेगा उसका अच्छा हो जाएगा हीरा नाली में भी हीरा है मुकुट पे भी हीरा है नहीं अब ये थोड़ा सा मैंने इनको मोटिवेट किया बहुत उसके बाद से मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए थे लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ मैंने बोला आप काम करो कोई समस्या की बात नहीं है आगे आप बढ़ो कुछ ना कुछ अब इस फील्ड में हो तो कांटेक्ट करो चीजें होंगी ही टेंस रॉड सिक्स में राहु का स्टार सनी है सनी तो मेहनत का ही है परिश्रम का ही कारक है समझ रहे हैं और साथ ही साथ इनके लग्न में अभी ट्रांजिट में ग्यारह नंबर में आया है लग्न में आया है जी लग्न यहाँ पे आया है तो सूर्य और मर्क्यूरी से भी मिल रहा है मर्क्यूरी बिजनेस का है भी समझ रहे हैं मैंने ये कहा कि अब नहीं हो तो ट्राई आप ये करो कि बिजनेस की तरफ ही आप बढ़ो अच्छा। बिजनेस में पैसे नहीं लगाने क्लियर मैंने ये बोला ओके आप इन्वेस्टर खोजो पार्टनर खोजो जहां से जो मिले जितना परसेंट मिले और काम करो क्योंकि का लॉर्ड देखिए मर्क्यूरी अरे वो चीज नहीं सिंपल ग्यारह देखिये मर्क्यूरी बिजनेस का कारक है तो बिजनेस का कार्य कार्यक्रम सनीस ग्यारह नंबर राशि से भी ट्रांजिट कर रहा है ये वो तो ठीक है आपने बोला कि अपना पैसा नहीं लगाना मैंने समझा सर वो तो पैसा नहीं लगाना यहीं से है ना सेवन सब्लॉट में राहु बारह बारह ठीक है समझ रहे हैं तो आपने सर आठ की वजह से बोला कि दूसरे का पैसा लगाओ या मतलब पूरे का ही पैसा नुकसान कराएगा तो नुकसान कराएगा इसलिए अपना मत लगाओ पांच आठ नौ बारह और ये बारह बारह ठीक है कमीशन पे रहो तो ये कमीशन आपका हो जाएगा ठीक है तो ये चीज से अभी इनकी दशा मर्क्यूरी की चल रही है मर्क्यूरी प्लेनेट लेवल पे फाइव एट नंबर के साथ नाइन ट्वेल्व और लॉर्ड लेवल पे फाइव जी मर्क्यूरी आया और इनकी वाट लगा दिया हाँ समझ रहे हैं अच्छा तो अब ये चीज काफी खराब है ना तो ये चीजें मैंने इसलिए इनको मना किया मर्क्यूरी अपने कारक को तो नहीं छोड़ेगा लेकिन रिजल्ट को डिस्टर्ब कर देगा मर्क्यूरी हर एक आदमी की कुंडली में बिजनेस का कारक है लेकिन हर एक की कुंडली में सेम रिजल्ट नहीं देगा वो क्यों वो वैरी करेगा इस हाउसेस के रिजल्ट पे अच्छा तो अब ये बिजनेस अब चूंकि नौकरी इस समय नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करोगे हमारे पास कोई आदमी आया है कंसल्टेशन के लिए तो उसको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहिए ना जी थ्योरेटिकली हम कह दो तो नहीं जी नहीं होगा आपसे बिजनेस आप नहीं कर सकते अब वो कह मैं नौकरी कर नहीं पा रहा हूँ अपने माइंड की वजह से तो आपने इसको बोला कि अपना पैसा ना लगा कमीशन पे काम कर हाँ ठीक है ठीक है तो अब इनके लिए एस्ट्रो वास्तु करनी है सबसे पहला स्टेप क्या है मर्क्यूरी फाइव एट ट्वेल्व एट ट्वेल्व पूरा का पूरा निगेटिव इनका मैप मैं, मैं आपको दिखाता हूं पहले मैप पे फोकस कीजिए पहले हम इसकी मरकरी की दशा चल रही है ना तो मरकरी का स्टाल और राहु है हाँ। तो हमने नॉर्थ की जगह से पहले तो न, राहु का सामान भी देखना और मरकरी का सामान भी देखना पड़ेगा अब यही मैं दिखा रहा हूँ ये मैप अब दिख रहा है आपको क्लियर पूरा डायमेंशन नजर आ रहा है हाँ जी क्लियर है ना हाँ जी इसमें देखिए तो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा अभी हाँ जी ठीक ठीक है अब देखिए इसमें इनकी एंट्री जो है नॉर्थ की तरफ हो गई जी तो नॉर्थ की एंट्री नॉर्थ खराब है तो बेसिकली इन एंट्री भी इनके लिए खराबी होगी और पॉजिटिव जोन में भी नहीं है जी तो ये एंट्री को तो सबसे पहले ब्लॉक करेंगे ठीक है मर्क्यूरी की जो कलर ग्रीन कलर है वो नॉर्थ में बेसिकली नहीं होना चाहिए प्लांट्स नहीं होना चाहिए क्लियर मरकरी का समान ना कोई भी मर्क्यूरी का समान ना हां तो सर आपने इसको मतलब स्पेशली नॉर्थ में आपने तार से क्यों बंद कराया सर आप स्ट्रिप से नहीं बंद कराया है अरे स्ट्रिप से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है ओके okay. मतलब अभी जो हम एस्ट्रो वास्तु वाला पॉइंट समझ रहे हैं इसके पहले जो हमारा आपसे डिस्कस हुआ वो पूरा वास्तु के था ठीक अब इस वास्तु से हम आगे निकलेंगे और इनकी कुंडली देख ली अब हम जो यहाँ पे रेमेडी समझ रहे हैं वो एस्ट्रो वास्तु का है अब ऐसे नॉर्मली मान लो हम ये देखते हैं कि जैसे नॉर्थ में ग्रीन सीन हो गया लगा दिया जाता है वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉर्थ में प्लांट्स रखते हैं वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन इस जातक के लिए दोनों प्रॉब्लम करेगा ना क्योंकि मर्क्यूरी सबसे खराब रिजल्ट दे रहा है हाँ जी। तो इनके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि इनके नॉर्थ में मर्क्यूरी का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जी, कोई डॉक्यूमेंट्स भी ना हो फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी साथ ही साथ मर्क्यूरी राहु है तो राहु से रिलेटेड भी कुछ नहीं होना चाहिए और मतलब नार नार जो फंक्शन में ना हो मतलब कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो गैजेट्स होते तो वो एकदम ही ना हो वो राहु हो गया ना हाँ ठीक है क्लियर हुआ हां जी तो सर लेकिन कोई फंक्शनिंग हो वो तो वो भी नहीं रखोगे राहु राहु वो भी राहु का फंक्शन कर रहा है तो सिर्फ राहु ही नहीं है ना जो और जिस चीज के लिए कलर का भी ऐड हो जाएगा लेकिन हम यहाँ पे नॉर्थ में तो मंगल का समान तो वैसे भी रख सकते ना मतलब जैसे आप यहाँ कनाडा में आप है चारों तरफ आपके यहाँ हीटिंग सिस्टम लगता है तो में भी आपका है, तो वहाँ भी है, वो तो जरूरी ही है क्या कर देंगे रखवा दोगे जो काम कर तो है इलेक्ट्रॉनिक उसको आना नहीं है बाय डिफॉल्ट होता है ये मैं बता रहा हूँ अच्छा होता तो कोई कमरा इतना ही है ना इतना ही बड़ा एरिया है तो प्रैक्टिकली आप सोचो कहीं ना कहीं सामान तो रखेंगे ना तो इसका मतलब ये कि नॉर्थ के अंदर अगर इनका कोई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स फंक्शनिंग है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कहाँ रखेगा आदमी जगह इधर ही दिख रहा है ना मान लो रख लिया तो कोई समस्या नहीं है अच्छा अगर जगह होती तो आप इसने अगर रखा होता तो आप क्या बोलते है बोलते तो हटा लो शिफ्ट कर लो अच्छा चाहे वो फंक्शनिंग हो तो ना हाँ ठीक है लेकिन नहीं है वन बी एच के फ्लैट है तो इसमें हम प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करना है किसी से प्रॉब्लम ज्यादा होगी ओके okay. जो खराब है उससे प्रॉब्लम ज्यादा होगी ठीक है तो आप राहु का सामान भी हटा रहे हो और मरकरी का भी हटा रहे हो हाँ मरक्यूरी का प्लांट्स और ग्रीन कलर वो हटाना होगा ठीक है क्लियर अब यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट इसमें है वो देखेंगे तो वो दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे इनके लिए धन आना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सेकंड कस्पल सब्लॉट इनका जुपिटर और जुपिटर दो ग्यारह दो ग्यारह दे रहा है ठीक है उसके बाद धन इनका सन दे रहा है One seven, one two eleven, है सन में जुपिटर के द्वारा yeah. यानी जुपिटर और सन ये दो प्लेनेट है जो इनको धन दे रहे हैं yeah. तो इनको इनके घर में रखना पड़ेगा एस्टेब्लिश करना पड़ेगा mm -hmm. सन जो है वो जुपिटर और सन तो सन एक तो फर्स्ट हाउस में है तो एक मिनट तो हाउस वाइज वो ईस्ट हो गया यहाँ पे में देखिए दिख रहा है ना ठीक है हाँ जी राशि सन फर्स्ट हाउस में है तो हाउस वाइज ईस्ट हो गया ग्यारह नंबर राशि है तो वेस्ट हो गया जी तो दोनों ही जगह पे हम सन को रख सकते हैं लेकिन ध्यान ये देना है कि वो वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टर्ब ना हो ठीक है मतलब एलिमेंट के हिसाब से हाँ, हाँ हाउस वाइज ईस्ट में हम रखेंगे वहां कोई दिक्कत नहीं क्या रख सकते हैं वहां जैसे जहां भी आप जिस कंट्री में वहां गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ सिंबल रख लीजिये जैसे भारत में तो रसो स्तंभ होता है रसो का पिलर हाँ जी तो आप ये जो भी आप बात आपने अभी जो बात बोली है है और ग्यारह नंबर जो राशि है उसका भी वेस्ट हुआ तो वेस्ट में भी रखवा देंगे वही सेम सिंबल ठीक है क्लियर हो रहा है ठीक है एयर आ गया तो वो एंटी भी नहीं हुआ ठीक है एयर तो एंटी होता ही है ना हाँ तो पे फिर, पे फिर ठीक अप... है मतलब मतलब आप, आप गवर्नमेंट का रख दोगे लेकिन फायर का नहीं रखोगे फायर का ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे हम डायरेक्ट यहाँ फायर एलिमेंट पे नहीं जा रहे हैं जब हम प्लेनेट की बात करते हैं तो हमारा पूरा फोकस ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए जो क्लियरली उसी को इंडिकेट करे अब आपका ये होता है कि सन है तो हम लाल कलर का कोई सामान रख दें लाल कलर का अपना अलग वो मंगल को भी रिप्रेजेंट करेगा सन को भी करेगा हमने डायरेक्ट सन के ऑब्जेक्ट को पकड़ा ये चीज ध्यान रखिये ठीक है प्लानिंग में आप क्या रख रहे हैं वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट सिंबल कंप्लीटली ही रिप्रेजेंट करेगा कि ये आपके आपके लिए सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है गवर्नमेंट की फोटो है तो उसको भी लगा सकता है ठीक क्लियर है जी और ये दोनों ही जगह पैसा रखने के लिए इनके लिए सबसे उपयुक्त जगह है ठीक है समझ गया क्यों, क्योंकि सन आ, 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 साथ ले रहा था लेकिन जुपिटर पैसे का ज्यादा ले रहा था ना सर तो जुपिटर का रिजल्ट सन ही डिलीवर करेगा ना इसका स्टार लॉर्ड ठीक है तो क्या करेंगे इन दोनों जगहों पे मिट्टी का जो गुल्लक होता है या तो उसको रख दीजिए नीचे येलो कलर का कपड़ा बिछा के या फिर येलो कलर का गुल्लक रख दीजिए अच्छा अब आपके दिमाग में आया येलो प्रॉब्लम नहीं करेगा ना अरे इतने बड़े जोन में एक छोटा सा येलो कलर का गुल्लक क्या प्रॉब्लम करेगा और यहाँ धन के लिए कर रहे हैं इनको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा तो गुल्लक क्यों बोला सर अरे पैसा कहाँ रखेंगे <laughs> पैसे अच्छा। के लिए ना कैश बॉक्स जो भी आपको रखना है मैंने गुल्लक के एग्जाम्पल के तौर पर बताई अच्छा या फिर इन दोनों जगहों दो अपना ये डाल दें मान लो इनके पास तिजोरी वगैरह जो कुछ भी है पैसा रखने का तो उसको रख ले आपने उसको पैसे को रखने के लिए ईस्ट और वेस्ट बोला हाँ, जो कि सन पैसे का रिजल्ट दे रहा है सन हाउस वाइज ईस्ट में बैठा है राशि वाइज वेस्ट में बैठा है है ठीक समझ दोनों को ही पकड़ लिया ओके और रिजल्ट सन कहता है जुपिटर दे रहा है अभी तक मुझे ये तो समझ आ रहा था कि सन का सामान रखवा रहे हो जुपिटर का रखवा रहे हो क्योंकि वो पैसे को सिग्निफाई कर रहे हैं लेकिन अब आपने पैसे को ही रखने को बोल दिया हाँ तो पैसा चाहिए ना आदमी को तो डायरेक्ट पैसा रखेंगे तो ही तो अट्रैक्ट करेगा ठीक है नहीं नहीं ये थोड़ा नया हो गया मेरे लिए ये नई चीज हो गई ना तो आप वो क्या हुआ।, हुआ जो हमें चाहिए डायरेक्ट उससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट रख देंगे ठीक है चाहिए तो जो आपका कैश बॉक्स है गुल्लक है ज्वेलरी है उसको हम वहां रखेंगे तो डायरेक्ट आपके सबकॉन्सियस एक्टिवेट होगा ना कि मैं यहाँ पैसा रखा हूं ठीक है ये नहीं पता मैं नहीं पैसे के लिए इसमें मैंने शुक्र का देखना पड़ेगा लेकिन अब पैसे ही रखवा रहे हो क्यों देखेंगे हर आदमी के लिए अलग हो जाएगा ना सिर्फ शुक्र को क्यों पकड़ेंगे जो इनको पैसा दे रहा होगा हम उसको पकड़ना है ओके इनके लिए सूर्य और जुपिटर दे रहे हैं तब इसी को पकड़ेंगे नहीं वो तो सूर्य जुपिटर तो मैं समझ गया लेकिन अब पैसे ही वहां रखवा रहे ये मैं थोड़ा सा ये समझ नहीं लगा आपको ये बताइए नहीं प्रॉब्लम नहीं है मैं बस ये समझने की कोशिश करूंगा थोड़, थोड़ा सोचूंगा शायद समझ आएगा कि 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 क्या अब अब देख रहा रहा वही तो पूछ रहा हूं। अब जैसे हम हमने पैसे का इनका करवाना है तो फिर हमने देखा कि सन और जुपिटर दोनों पैसे को सिग्निफाई अच्छी तरह से कर रहे हैं तो फिर हमने सन और जुपिटर का सामान तो ईस्ट और वेस्ट में रखवा दिया क्योंकि घर भी हो गया ईस्ट का राशि होगी वेस्ट की लेकिन अब हम पैसे ही वहां रखवा रहे हैं ये थोड़ा नया हो गया ना इसलिए रख रहे हैं कि चुकी सन का सामान हमने दोनों जगह रखा तो सन की प्रेजेंस वहां दे दिया जो भी है। प्लेनेट है, क्या होता है वो वो ड्राइवर है 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 काम को को करता रिजल्ट देता डिलीवर करता है जी तो हमने सन के सामान को वहां रख दिया तो इससे क्या होगा कि सन जो रिजल्ट दे रहा है कुंडली में उसकी जो पोजीशन है वही हमने यहाँ वास्तु में क्रिएट कर दी जी अब ये उस रिजल्ट को डिलीवर करेगा आपके लिए हम्म हम्म तो अब पार्टिकुलर हम इसमें भी थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं कि और क्या रिजल्ट हम चाह रहे हैं मैनिफेस्ट करना तो इसका स्टार जुपिटर जो है पैसा का रिजल्ट दे रहा है दो और ग्यारह का ठीक है थीक तो पैसा चाहिए तो इसके लिए आप गुल्लक रख दो कैश बॉक्स रख दो ओके मिट्टी का गुल्लक रखते हैं तो बाय डिफॉल्ट मिट्टी जुपिटर की होती है लेकिन चूंकि पक जाती है तो वो मार्स का हो जाता है अच्छा यदि मिट्टी का गुल्लक आप रखते हैं तो उसके नीचे येलो कलर का कपड़ा बिछा दीजिए छोटा सा कितना होगा चार बाई चार इंच या छाई छः इंच का कपड़ा होगा गुल्लक पे जितना बड़ा गुल्लक होगा उसी के नीचे ना रखना है ओके या मान लो बाई डिफॉल्ट आपकी अलमीरा वगैरह यहाँ आती है लॉकर यहाँ पे आता है इसी जगह पे आप वेस्ट में ही शिफ्ट कर देते हैं अपना लॉकर या अलमीरा जी तो डायरेक्ट ऐसा रखे कि उस लॉकर का जो पोजीशन है वो डब्लू फोर डब्लू फाइव में आए ज्वेलरी वगैरह है तो उसको वहां रख दीजिए का कपड़ा भी उसके ऊपर ज्वेलरी हो गया पैसा हो गया चेक बुक हो गया सब उसमें डाल दीजिए ज्वेलरी में सर आप मेनली गोल्ड बोलोगे ना कि नहीं हाँ गोल्ड वाली ज्वेलरी कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स चूंकि हम सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं ना तो जो भी आपके वैल्यूएबल आइटम्स है वो सारे के सारे सेकंड हाउस है अच्छा एक चीज ध्यान रखिए कोई भी आप ये सोचे या कोई भी आदमी ये सोचे कि हम हर केस को हर एक क्लाइंट को सिर्फ एक ही प्रकार से सबको हैंडल कर ले नहीं पॉसिबल है यही प्रैक्टिकल अप्रोच है इसी में लोग फेल हो जाते हैं अच्छा क्योंकि हर एक आदमी की जब कुंडली एक नहीं है वास्तु एक नहीं है तो सबको आप एक तरह से कैसे कर पाएंगे इनकी कुंडली को आप ध्यान से फिर देखिए तो अधिकतम आपको निगेटिव प्वाइंट मिलेंगे और पॉइंट निगेटिव मिले तभी तो आदमी परेशान है जी जब परेशान है तो हमें इसमें से देखना है कि कौन इसके पर्पज को सॉल्व कर सकता है ठीक। धन के लिए आप ये देखें कि दो छह दस ग्यारह पूरा का पूरा अच्छा होता है अब इसकी कुंडली में होगा तब तो इसमें जो है हमें उसी पे फोकस करना पड़ेगा ना ठीक है अब सर इस... अब जैसे बोलिए जैसे कि अब इसका अब इसको जैसे कि पैसे का आपने दिलवा दिया ठीक है सन और जुपिटर से अब सन जो है इसका सेवन भी ले रहा है अब अगर हाँ. इसको कस्टमर्स चाहिए सेवन नंबर हाँ डायरेक्शन तो, तो, में, तो, सन, तो सन के में सन का सामान रखवाया ठीक है तो अब जैसे पैसे के लिए आपने पैसा रखवा दिया उसमें तो हाँ. ये कस्टमर के नंबर केवन के लिए क्या रखवाओगे वहां पर अभी कोई जरूरत नहीं है सन का सामान रख देंगे हो जाएगा बाकी आप रखना चाहते हैं तो जो इनका बिजनेस है बिजनेस प्रोडक्ट की फोटो खींचिए दोनों जगह आप लगा दीजिए चाहिए, हाँ ये पूछना चलो ठीक है ये सही है समझ रहे हैं समझ गये? तो हर ये तो में आपको मैं आपको मैं इतनी प्रैक्टिकल चीजें क्यों बता रहा हूँ एक तरह से देखो तो टाइम तो मेरा जा रहा है नहीं नहीं ये अच्छी ठीक है ये आपको करना पड़ेगा अब सन में देखिए यहाँ पे वीनस भी है फोर नाइन ट नाइन नंबर धन के लिए निगेटिव होता है जी वैसे वीनस धन का कारक है हम्म लेकिन नाइन नंबर यहां पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम भी दे रहा है यदि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिल जाता तो हम वीनस को भी ट्राई करते लेकिन अभी वीनस से पहले जुपिटर है ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट को देता हुआ तो वीनस लेकिन को से से लिए से लिए को मस्त, वीनस के लिए नहीं दे रहा हमारे पर्पस के लिए ना नहीं दे रहा इसीलिए तो छोड़ रहे हैं ना उसको ठीक है बाकी हम सिर्फ कारक का पर जा, जैसे जाते हैं कि क्या वीनस धन का कारक है तो इसके लिए तो नुकसान देगा ना ठीक है तो इसके लिए भी नहीं करेंगे और सर इसको अगर हमने बॉडी पे कुछ कराना होता है इसके लिए तो हमने इसके घुटनों पे कुछ कराते हैं घुटनों पे करा दिया फिर गोल्ड पहन लो ना बॉडी पे जब कराना है स्टोन पहना देंगे सन का स्टोन जुपिटर का स्टोन ठीक है इसको मतलब मतलब स्टोन सन का हो गया और घुटनों पे गोल्ड ज्वेलरी यदि है तो ऑरेंज ऑरेंज रंग इसके घुटनों पे करा सकते थे ना सर हाँ करा सकते हैं कोई इशू नहीं रेगुलरली लेपना करना पड़ेगा ठीक है, है। सोच रहे हैं हां ये थोड़ा सा आज डीप हो गया मैं आ, फिर से सुनना पड़ेगा अब बताइए <laughs> अब डीप नहीं पड़ेगीगा कोर्स अब साफ ठीक है पे है अब नहीं पड़ेगीगा तो कब पड़ेगी बताइए ये आप की बात सही है मैं बस बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा नया पता लगा अच्छा हुआ मतलब कुछ डिफरेंट पता लग गया